पेड़ तो संघर्ष करो, हम तुम्हारा साथ हैं। पेड़ तो संघर्ष करो, हम तुम्हारा साथ हैं। पेड़ तो संघर्ष करो, हम तुम्हारा साथ हैं। पेड़ तो संघर्ष करो। आपको पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले बीजेपी से निकाली गई भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद देश के कई राज्यों में हिंसक झड़पें देखने को मिली थी, जिसके बाद प्रयागराज में हिंसा का दोषी और मास्टरमाइंड जावेद अहमद को ठहराया गया था, जिसके बाद उनके घर पर योगी सरकार द्वारा बुलडोजर चला दिया गया, जिसके बाद अब जगह जगह अब जावेद और उसकी बेटी आफरीन के समर्थन में प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कि संसद मार्ग से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आफरीन तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं के नारों से गूंज रही है, जिसके चलते भाजपा सत्ते में आ गई है। वहीं संसद मार्ग पर आफरीन के समर्थन में हुए प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है, जो आपको देखना चाहिए। आप एक बार वीडियो देखिए। साथ ही आपको बता दें कि आफरीन का घर गिराने के विरोध में रविवार को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हुआ था। वहीं जावेद के घर बुलडोजर चलने के बाद अचानक सोशल मीडिया पर आफरीन के वीडियोस भी खूब वायरल होने लगे, और आफरीन अपने इन वीडियो में ये साफ साफ कह रही है कि उनको ना सरकार पर विश्वास है ना ही सुप्रीम कोर्ट पर। वहीं आपको बता दें कि आफरीन इसके पहले भी CAA NRC के विरोध में जमकर धरना प्रदर्शन कर चुकी है, और उस दौरान भी आफरीन काफी चर्चा में रही थी। वहीं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भी योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए मार्च निकाला, और उस दौरान उनके हाथों में तख्तियां भी थी जिन पर मुसलमानों पर राज्य प्रायोजित आतंकवाद बंद करो जैसे नारे लिखे थे। वहीं आफरीन ने प्रयागराज में उसके पिता का मकान ढहाने की कार्यवाही को इलाहाबाद हाई कोर्ट को पत्र के जरिए चुनौती दी है, जिसे अदालत ने फिलहाल खारिज कर दिया है। वहीं पत्र में दलील दी गई थी कि जब की घर जावेद की पत्नी के नाम है, जबकि नोटिस जावेद के नाम देकर पत्नी के घर को गिरा दिया गया। वहीं सोशल मीडिया पर आफरीन के समर्थन के वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं, और लोग जमकर आफरीन का सोशल मीडिया पर समर्थन भी कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर ताला मार देना चाहिए, और भारत के सभी नागरिक को सड़कों पर आ जाना चाहिए। अब ये अदालतें और जज कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये अदालतें और जज सत्ताधारी सरकार की कठपुतली है। यहाँ संविधान खत्म हो चुका है। एक और सोशल मीडिया यूजर का कहना है कि जब तक जिंदा है इंसाफ के साथ खड़े हैं, जो हक की आवाज बुलंद करते हैं उनके लिए मोहब्बत सच्चाई अल्फाज पेश करते हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि योगी चाहे मोदी मुसलमानों की आवाज को कितना ही दबा ले, लेकिन इतिहास गवा रहा है ना कभी सच्चाई किसी के दबाए से दबी है और ना दबेगी। इस खबर में सिर्फ इतना ही, वहीं ऐसी और भी खबरें पाने के लिए MIM News Express को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।